कहते हैं अगर हौसले बुलंद हों तो चींटी भी दाना लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई कर देती है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। जी हाँ, इस लाइन की तुलना हम अगर फुटबॉल से करें तो पेरिस सेंट जर्मेन की लगातार चौथी बार फ्रेंच लीग का खिताब का जीत जाना इस बात का सबूत है। अपने स्टार खिलाड़ी नेमार के ना खेलने के बावजूद भी पीएसजी की टीम ने हौसला बनाए रखते हुए लेस हार्विस के खिलाफ जबरदस्त खेल दिखाते हुए 2-0 से शानदार बढ़त बनाते हुए खिताब पर कब्जा जमा लिया। पेरिस सेंट जर्मेन के बड़े खिलाड़ी नेमार की अनुपस्थिति में पीएसजी के आक्रमण की कमान एंडिसन कवानी, एंजेल डी मारिया और कायलिनियन मापे ने संभालते हुए टीम को जीत दिला दी। खेल के 20वें मिनट में ही हार्विस की टीम 3-0 से पिछड़ सकती थी, लेकिन लेस हार्विस के गोलकीपर ने कुछ अहम बचाव किए और पीएसजी के गिवोनी के दो मौकों पर और मापे के एक मौके पर उन्हें गोल करने से नाकाम कर दिया। लेकिन खेल ने जब मोड़ लिया, जब बेहतर खेल रहे गिवोनी ने 26वें मिनट में बॉक्स के बाहर से बेहद सटीक किक के साथ पीएसजी को बढ़त दिला दी। इस बीच एक दिलचस्प मौका देखने को तब मिला जब खेल के 50वें मिनट में मापे ने गोल करके पीएसजी को बढ़त दिलाई, लेकिन वीडियो रेफरी असिस्टेंट की मदद से गोल को अवैध करार दिया गया। फिर 74वें मिनट में पीएसजी को पेनाल्टी मिली जिसे किवानी ने गोल में तब्दील करके पीएसजी को 2-0 से बढ़त दिला दी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट डेस्क से अंकुर अस्थाना की रिपोर्ट।